तो दोस्तों आज के इस वीडियो में जानने वाले हैं कि किस तरीके से मैं एक ऐसा सिंपल सा वेल्डिंग मशीन बनाने वाला हूँ जिसके थ्रू आप प्रॉपर वेल्डिंग कर सकते हो। आखिर इसके अंदर है क्या क्या चीज़ें वो मैं आपको एक झलक दिखा देता हूँ। अब इसके बाद हम लोग जान लेते हैं कि आखिर ये बनाया कैसे गया है और ये प्रॉपर वर्क भी कर रहा है। मैं अभी आपको टेस्टिंग भी करके दिखा दूंगा। एक प्रॉपर वेल्डिंग मशीन कोई भी जुगाड़ नहीं, तो यहाँ पर जो जो चीज़ें ज़रूरत में आएंगी वो सब मेरे पास ऑलरेडी आ चुके हैं। तो पहली बात तो ये दो कनेक्टर चाहिए मुझे हमारे, तो ये दो के दोनों ही ये चाहिए ताकि हम लोग इससे कनेक्शन अपना कर सकें। थोड़ा मैं कैमरा एंगल ठीक कर लेता हूँ। उसके बाद हमें इस तरह का एक मीटर चाहिए होगा। मीटर क्या कह सकते हैं इसका, एक डिस्प्ले मीटर जिसमें मालूम पड़ जाता है कि कितना एम्पियर हमारा सेट है और ओवर एम्पियर तो नहीं हो गया, यानी ओवरलोड तो नहीं हो गया। और रोटरी स्विच जिससे हम लोग को एम्पियर कम ज़्यादा कर सकते हैं। बाकी छोटी मोटी चीज़ें जैसे कि हमारा ये सर्किट बोर्ड हो गया, बिना इसके आप वेल्डिंग नहीं कर सकते हैं। इसके ऊपर मैंने लास्ट वीडियो बनाया था कि ये कैसे काम करता है, तो आप लोग देख लीजिएगा। इसके बाद हमें चाहिए होगा एक फ़ैन। अब देख लेते हैं इसमें कौन कौन से होल करने होंगे जो कि ज़्यादा ज़रूरी हैं, जैसे कि इन दोनों के जो होल्स हैं वो होंगे। उसके बाद हमारा जो ये डिस्प्ले मीटर है इसका ये वाला ऑप्शन, ये वाला ऑप्शन और ये दोनों, कि इन चारों चीज़ों के लिए हमें छोटे छोटे मोटे होल्स करने होंगे। और लास्ट में हमें एक फ़ैन के लिए होल करना होगा और एसी इनपुट के लिए, यानी जहाँ से 220 वोल्ट इसके अंदर इन होगा उसके लिए भी एक हम लोग कनेक्टर लगाने वाले हैं। कोई ऐसा जुगाड़ नहीं रहेगा, जस्ट हमें इसे ऐसे उठाना है और ले करके चल देना है। सारे कनेक्शन वाले जो वायर होंगे वो अलग हो जाएंगे इस बॉक्स से। तो आइए फिर शुरू करते हैं। पहले हम लोग इसके जो होल्स करने वाले हैं वो कर लेते हैं। तो मार्किंग मैं बना लेता हूँ बिहाइंड द सीन, क्योंकि वो थोड़ा सा पेचीदा होता है और वो वीडियो में डालूँगा तो काफ़ी आप बोर भी हो जाओगे और वीडियो भी काफ़ी लंबी हो जाएगी। तो इसमें जितने भी होल्स मुझे करने थे वो सब मैंने ऑलरेडी कर लिया और मैं दिखा देता हूँ कि वो कौन कौन से हैं। तो ये दोनों कनेक्शन जहाँ पर अर्थ और जो हमारा इलेक्ट्रोड वाला कनेक्शन होगा वो, यहाँ पर हमारा डिस्प्ले, यहाँ पर हमारा नॉब जिसके थ्रू हम लोग इसके एम्पियर को कम ज़्यादा करेंगे, और ये दोनों होल्स जो हैं वो इसमें लगे हुए इन दोनों LEDs के लिए। और उसके बाद अब आ जाते हैं पीछे की ओर। तो पीछे हमने फ़ैन के लिए होल्स किया हुआ है, थोड़ा ज़्यादा होल्स करना पड़ा क्योंकि फ़ैन भी कुछ इतना ज़्यादा बड़ा है, तो उस हिसाब से इसमें होल करने पड़ गए। और उसके बाद हमारा पीछे, जस्ट पीछे हमें और एक्स्ट्रा होल करने पड़ गए जहाँ से हवा इनपुट करेगी यानी अंदर जाएगी। और ये वाला होल जो दिख रहा है ये तो हमारा जो पावर केबल रहेगा उसका कनेक्शन के लिए, जो भी था उसी से मैंने इसे परफेक्ट करने के लिए कोशिश किया। तो पहले मैंने यूज़ किया पटरी का और इस स्केच का ताकि मैं रूल कर सकूं कि कहां कहां पर कौन कौन से मुझे होल्स करने, जैसे कि यहां पर अभी दिखाई भी दे रहा होगा आपको लाइंस कुछ ऐसे। तो ये हो गया हमारा ये पहला टूल। उसके बाद दूसरा टूल है कि हमें सामने की ओर जो वो बड़ा वाला होल करना था, ये वाला, इसके लिए मैंने यूज़ किया ये होल टूल जो कि ऑलरेडी अमेज़ॉन फ्लिपकार्ट मिल जाता है। और ये जितने भी छोटे छेद हैं ये वाले हो गए, इसने मैंने स्क्रू ड्राइवर को गर्म करके छेद कर करके इसे भी वैसे ही, बस इसका छेद बड़ा करने के लिए मैंने इस तरह के ड्रिल बिट को यूज़ किया, वो भी हाथ से। मतलब अगर मैं इसे डायरेक्ट ड्रिल मशीन से यूज़ करता तो वो यहाँ वहाँ भाग करके इसका जो डिज़ाइन है, लुक है, वो एकदम बेकार कर देता, यानी कमांड में नहीं रहता ड्रिल मशीन में। लेकिन हाथ में थोड़ी मेहनत थी, थोड़ा हाथ भी कट गया, लेकिन ठीक है, हो गया हमारा टूल्स का काम सारा ख़त्म। अब आइए इसे असेंबल कर लेते हैं धीमे धीमे करके। तो असेंबल करने के लिए क्या करना है कि सबसे पहले हमें कनेक्ट करना है इसमें सामने की ये दोनों चीज़ों को। तो इसमें हमें कुछ ज़्यादा कनेक्शन करने नहीं होते हैं, अगर आप देखें तो सिर्फ दो कनेक्शन ये जो हमारे मेन बाहर की ओर यहाँ पर इन दोनों हिस्सों पे कनेक्ट होंगे। और उसके बाद हमें एक फ़ैन का कनेक्शन करना है और एसी इनपुट का कनेक्शन हमें कर देना है, बस और कुछ खास नहीं। सामने जो पैनल लगेगा उसका कनेक्शन यहाँ पर है। तो यहाँ पर सबसे पहले मैं फ़ैन को कनेक्ट कर लेता हूँ, क्योंकि अभी इंस्टॉल हो जाने के बाद मैं इस फ़ैन के कनेक्शन को कर भी नहीं पाऊँगा। ये हो गया हमारा फ़ैन का कनेक्शन। अब आइए इसे इसके अंदर इंस्टॉल करना स्टार्ट कर देते हैं। जस्ट फैन को बाहर रखना है, एसी के इस इनपुट को भी बाहर रखना है, येलो वाले वायर को भी, और इसे इसके अंदर जस्ट पलट करके रख देना है। आप समझ सकते हैं कि मैं क्या कहना चाहता हूँ, कुछ इस तरीके से।
यहाँ पर ये फिक्स हो जाएगा। इसके बाद हमें जो इसका नेगेटिव कनेक्शन है उसे भी करना होगा, जो कि यहाँ पर कनेक्ट होगा, स्क्रू से टाइट हो जाएगा। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि इन दोनों के बीच की जो दूरी है वो थोड़ी ज़्यादा है, मतलब ये कुछ इस तरीके से यहाँ पर दिखाई देने वाला है, ऐसे एंगल थोड़ा सही नहीं बन रहा है मेरे लिए, तो कुछ इस तरीके से ये दिखाई देगा और इन दोनों को मुझे आपस में किस तरीके से जम्पर करना है। तो यहाँ पर अब जो एसी का इनपुट देना है वो हम लोग देख लेते हैं। और ये रहा हमारा वो दोनों लीड जो कि मेन पावर प्लग है, और इसमें एक स्लीप डाल देते हैं हम लोग हैं हीट श्रिंक, ताकि ये वापस से बाहर की ओर ना निकले। अभी मैं इसे हीट कर दूंगा तो ये वापस बाहर की ओर नहीं निकलेगा खींचने पर भी, और मैं इसे डायरेक्ट सोल्डर करने वाला हूँ। अभी फ़िलहाल मैं इसमें कोई फ्यूज़ या फिर स्विच नहीं लगा रहा हूँ, लेकिन हाँ बाद में मैं इसमें फ्यूज़ और स्विच लगा दूंगा। आपस तो इन दोनों को आपस में जोड़ने के लिए हम लोग इस तरह के कॉपर वायर का यूज़ कर रहे हैं। तीन कॉपर के वायर काफ़ी अच्छे खासे मोटे हैं ये, और मैं इन्हें यहाँ पर ऐसे कुछ चिपकाने वाला हूँ, तो बस हीट हो जाने देते हैं। तो ये रहा हमारा पावर प्लग, मैं इसे ऑन करता हूँ तो यहाँ पर लाइट आ जाएगी जो कि अभी 18 एम्पियर पर सेट है। मैं इसे बढ़ा करके आपको दिखा भी देता हूँ, तो ये करीब करीब चला जाएगा 202 एम्पियर तक, आप यहाँ पर देख लो। तो मैं वापस इसको लेकर के आता हूँ, करीब करीब 80-90 एम्पियर तक, 96 एम्पियर यहाँ पर सेट हो गए हैं। खैर अब आ जाते हैं कि हम लोग वेल्ड कैसे करने वाले हैं। तो अर्थिंग के लिए मैंने ये बनाया है, मेरे पास अभी कोई भी क्लैंप नहीं है फिलहाल। और ये रहा हमारा नॉर्मल से एक बार, ये रहा हमारा एक इसका इलेक्ट्रोड का होल्डर जिसमें मैंने एक नॉर्मल सा पतला सा इलेक्ट्रोड लगाया हुआ, जो कि अभी फ़िलहाल उतना अच्छे से काम नहीं कर रहा क्योंकि ये बहुत ही लो क्वालिटी का है, मैंने ऑलरेडी टेस्ट कर लिया है। ज़मीन पर आप देख भी सकते हो कि यहाँ पर कितने सारे जो ये सब मैंने ट्राई किए हुए हैं, जो कि कुछ इस तरीके से वेल्ड मैंने किया भी था, और पतले से पतले खीले पर भी ये वेल्ड कर ले जा रहा है। यहाँ पर मैंने इसको काफ़ी हद तक चेक किया कि कैसे काम करता है, लेकिन देखो जब नहीं आता चलाना तो कुछ इस तरीके की टेस्टिंग की जाती है, वेल्डिंग की जाती है, तो आप देख सकते हैं। तो अब आइए आपको मैं दिखा भी देता हूँ कि ये काम कैसे कर रहा है। तो पहले तो हमारा जो ये अर्थिंग है इसमें मैं चेक कर लूँ, तो हाँ ये देखो कुछ यहाँ पर कैमरे के ख़राब होने की काफ़ी ज़्यादा उम्मीद रहती है, चिप गया। जब ना आता रहे तो कुछ इस तरीके की वेल्डिंग आप कर सकते हो, जब आना आ जाएगा तब आप कुछ ऐसे वेल्डिंग करना शुरू कर दोगे, ठीक है। तो इस तरीके से आप वेल्डिंग कर सकते हो, बाकी मैं सीख लूँगा तो आपको नेक्स्ट वीडियो में अच्छे से दिखा दूँगा। बाकी अभी अच्छे से ये काम करना स्टार्ट कर चुका है। और सो यहाँ पर अगर देखो तो एक अर्थिंग का और एक इलेक्ट्रोड का जो कनेक्टर है वो मैंने दे दिया है, और साथ में यहाँ पर एक ऐसा पोटेंशियल मीटर है जिससे हम लोग 18 एम्पियर से लेकर के 200 एम्पियर तक का इसका जो रेंज है वो सेट कर सकते हैं। यहाँ पर एक सिंपल से डिस्प्ले दी गई है, एक जो इसका
पावर ऑन का मेंस का जो लाइट रहेगी वो यहाँ पर रहेगी, और ओवरलोड की जो लाइट रहेगी वो यहाँ पर रहेगी। मेहनत आपको मैंने दिखाई दिया कि यार इतने सारे इसमें होल्स करने थे, और सारे के सारे होल्स हाथ से स्क्रू ड्राइवर को गर्म कर करके करने थे, और वैसे ही यहाँ पर भी, जिससे हम लोग इसके एग्जॉस्ट के हवा को अंदर लेकर के, मतलब यहाँ से एग्जॉस्ट बाहर कर सकते थे गर्म हवा को। और साथ में अगर इसके अंदर देखा जाए तो यार आप देख सकते हो कि मैक्सिमम चीज़ें जो है वो हाथों से लगी हुई हैं। बस हाँ, इस सर्किट को ख़रीदने के लिए आपको दिल्ली के लाजपत राय मार्केट में जाना होगा, जहाँ पर ये 1500 रुपये के आसपास ही आपको मिल जाएगा। और अगर प्रॉपर एक वेल्डिंग मशीन ख़रीदते हो तो 3 से 4 हज़ार रुपये, मैक्सिमम 4 हज़ार रुपये का एक नॉर्मल से सस्ती वाली वेल्डिंग मशीन पड़ जाती है, जिसकी कोई खास वैल्यू होती नहीं है, कोई खास वेल्डिंग वो कर नहीं पाता। बाकी वेल्डिंग करके आपको मैंने दिखाई दिया कि आखिर ये काम कैसे कर रहा है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक यार आप देखते रहिए हमारे इस नए चैनल को, और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। बाय बाय।